कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार की शाम 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आंशिक कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी। अब कर्फ्यू बृहस्पतिवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। प्रदेश सरकार के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में अब किसी दूसरे प्रदेश की रोडवेज की बसों के आने और जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी रोडवेज की बसों को सैनिटाइज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर आंशिक कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं, दवा, सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व की दशा के अंतर्गत खुले रहेंगे। सब्जी, फल, दूध, किराना की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। सब्जी मंडी एवं फल मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 5 मई से गांवों में कोरोना वायरस, अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा एवं कोरोना की दवाई की मेडिकल किट भी वितरित की जाएगी। इस विशेष अभियान की अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लक्षण योग्य व्यक्तियों को पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किए जाएं। हाई कैटेगरी 60 वर्ष के ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कम इम्यूनिटी के लोग बाहर ना जाएं। बिना मास्क के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। इसके अलावा शासन ने कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस बोल रहा हूं। सरकार ने लॉकडाउन को आगामी 7 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से इसके निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं। बहुधा यह देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस अभी तक चुनाव में व्यस्त थी, अब फ्री हो गई है और कल से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो लोग सड़क पर घूमते हुए पाए जाएंगे अनावश्यक, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कृपया लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, जिससे हम भी और आप भी सभी लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।